तो चलिए दोस्तों, आज हम जा रहे हैं देहरादून। अब हम रास्ते से निकल चुके हैं बारह पत्थर के तरफ। ये धूप खिलते हुए दिख रहा है आपको। आगे चलिए, आज मैं देहरादून का आपको नजारा दिखाऊंगा। रास्ते पर जो जो चीज मिलेगा आपको मैं दिखाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सामने पहाड़ी। पुरपटाल का नजारा है ये, इसको बोलते हैं नारायण नगर। ये देखिए गांव है सामने, बढ़िया सा गांव है, बहुत सुंदर सा गांव है नारायण नगर। सामने ही आपको एक नर्सरी मिलेगा, ये देख सकते हैं दोस्तों नर्सरी। ये देखिए दोस्तों नर्सरी में बहुत सारे मिलेंगे पौधे, इसमें बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं इसमें। ये देखिए नर्सरी का नजारा, नर्सरी है सामने नारायण। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, कभी भी आपको मैगी खाना है तो यहाँ आइएगा, बहुत फेमस है। ये देखिए दोस्तों खुरपताल आ गया, सरिता ताल, सॉरी ये सरिता ताल है। ये देखिए सरिता ताल, सरिता ताल का है, दिखाई दे दिया। ये देखिए दोस्तों ये है बजून, आप बजून पहुंच चुके हैं। बजून से आप निकल रहे हैं आगे को काला डूंगी की तरफ। यहाँ से नैनीताल से हम मजून पहुंचे हैं, अब यहाँ से आगे काला डूंगी की तरफ निकल रहे हैं। शुद्ध होता है आगे
उसको बोलते हैं दोरा है, यहाँ से मुड़ना पड़ेगा हमको देहरादून के लिए, दोराहे से इधर को राइट, दोराहे से राइट जाकर हम सीधा देहरादून की तरफ। देखिए दोस्तों रास्ता बहुत अच्छा है, पूरा हाईवे है, मर्जी आप तेजी से जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रास्ता। देखिए देखिए बहुत ही बढ़िया दबा है, ये वाला दबा दोस्तों, दोराहे से आपको मिलेगा ये रास्ता सीधा जसपुर तक, बिल्कुल क्लियर रास्ता है, बहुत ही वन वे रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। आप देखिए दोराहे से सीधा राइट होना है आपको, ये देखिए ये जसपुर की तरफ आ रहा है, ये है नगीना रेलवे फाटक के पास, यहाँ से हम शॉर्टकट भी जा सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से सीधे जाएंगे तो शॉर्टकट होगा और घूमकर जाएंगे रेलवे फाटक पड़ेगा, यहाँ पर बहुत जाम लगे रहता है, हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे शॉर्टकट, हम जाएंगे शॉर्टकट रास्ता ये, यहाँ से सीधा शॉर्टकट है ये रेलवे स्टेशन। देखिए दोस्तों हम रास्ते पे रुके हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए, ये डोना आई है अभी अभी बाहर। डोना क्या कर रहे हो आप? डोना डायपर कर रहे हैं, देखिए डायपर बदल रहे हैं इसका, हम रास्ते में उतरे हैं। डोना हाय बोलो, हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ खेती बहुत अच्छी है, यहाँ पर देखिए सरसों का खेती मेरे पीछे ठीक दिख रहा है, ये सरसों का खेत है, बहुत ही मतलब पक चुका है, पक कर बिल्कुल लेटा हुआ है, उसको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ताकि आपको सरसों की खेती दिखाऊँगा, ये देखिए ये सरसों, सरसों नहीं ये तोड़ी बोलते हैं इसको, बहुत मोटा मोटा दाना है इसका, ये पूरी खेती है देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए सर खेत के बाद बहुत सुंदर सा था, मैं रुक कर आपको शूट कर रहा हूँ ये आपको, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखिए कितना सुंदर सा है सामने खेत में काम करते हुए कुछ महिलाएँ लोग, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये बाईपास शॉर्टकट वाला रास्ता है, अभी यहाँ आकर मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे होना है राइट को, यहाँ से सीधा हरिद्वार, यहाँ से 51 किलोमीटर हरिद्वार के लिए है, यहाँ से मुझे राइट होना है, वहाँ से मैंने नगीना से शॉर्टकट मारा था तो यहाँ आकर मिलता है, आप देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये देखिए अरे अरे भैया भैया बचके 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 चलो, ये देखिए दोस्तों ये रास्ता है, हम कैसे करें,
देखिए आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर ऊपर दर्शन के लिए जाते हैं तो काफी सारा भीड़ है। यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ रहती है, यहाँ से ट्रॉली चलती है ऊपर को। और यहाँ देखिए सभी यात्री लोग, माँ चांदनी देवी का मंदिर है यहाँ, स्मार्ट नाम है चांदनी देवी, चांदी देवी, चांदी चांदी। अबे कार्ड बनाएगी तो अब देखिए दोस्तों, हरिद्वार में एंटर कर चुके हम। अब आपको दिखाता हूँ हरिद्वार का नजारा, आप देखिए, देखते रहिएगा दोस्तों। ये हरिद्वार में एंटर हो चुके हैं। ये देखो दोस्तों हरिद्वार, ये है भाइयों अरविनो हरिद्वार, हर हर गंगे बोलते हैं, हर हर महादेव, दिता दिता। ये देखिए यहाँ से चलता है कहाँ, ऋषिकेश के लिए रास्ता यहाँ से जाता है। ये अब हम सीधा जा रहे हैं हरिद्वार, हरिद्वार इसके ऊपर एंटर कर चुके हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत लंबा रास्ता है यहाँ से, हर हर महादेव। जय बोले की, अच्छा अच्छा जय बोले की। तो बोले का त्रिशूल देखो, आज देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ से हमको राइट होना है, राउंड लेना है ब्रिज के नीचे से। ये देखिए ये त्रिशूल है भोले बाबा का, उससे ऐसा जाना है हमको, है ना डोना। हाँ दिल्ली रुड़की इधर है, हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून राइट हैंड, है ना डोना। या देहरादून राइट हैंड, या जय भोले की त्रिशूल देख दो ना वहाँ, ये जय भोले की, हर हर महादेव। हम देहरादून की तरफ, बस बस से आपको एक पुल आएगा, उसके बाद शिव जी का बड़ा सा मूर्ति है, उसके दर्शन होंगे, आप देखते रहिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों शिव जी का मंदिर आपको दिखा रहा हूँ मैं,
एक शिव जी का मंदिर देख रहा, शिव जी का मंदिर, हर हर महादेव बोलो। क्या देखते हैं सामने, सामने देखो, ये देखिए दोस्तों शिव जी का मंदिर, ये मूर्ति इसके ऊपर तो नहीं गया पानी, हाँ ऊपर ही गया था, अरे एक पानी के अंदर था, और नहीं था, ये नहीं है, और पानी के अंदर बैठा हुआ मूर्ति, हाँ हाँ वो है, थोड़ी ना बस क्या था पानी के अंदर बैठ, तो दोस्तों अब हम फाइनली देहरादून पहुंच चुके हैं, मतलब जोलीग्रांट एयरपोर्ट से हमको राइट जाना है, हम देहरादून विजिट कर चुके हैं, अब थोड़ी देर में हम लगभग 15-20 मिनट में हम देहरादून में पहुंच चुके होंगे, चलिए आगे दिखाते हैं। घर खत्म हुआ, अब यहाँ से राजपुर रोड के तरफ हम जा रहे हैं, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अब दोस्तों यहाँ का मॉल, गाड़ी ठुक गई थी थोड़ा, नहीं तो मॉल के चक्कर में, यहाँ से गुच्चू पानी भी जाता है आगे से, गुच्चू पानी उधर हॉस्पिटल जाता नहीं था, कैंट कैंट का रास्ता ना, ये जी अंगमू का हॉस्पिटल देखा नहीं जो आर्मी का, अब उस वहाँ से थोड़ा नीचे में एक दिन गए ना गुच्चू पानी, हम भी तो गए थे सब, नहीं गए थे गुच्चू पानी, हाँ सर जा रहे गुच्चू पानी गए थे ना, गुच्चू पानी यही कैंट के रास्ते में आर्मी कैंट जाने वाला रास्ता है,
अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों, यहाँ से मसूरी जाता है इस गोल चक्कर से, ये है किशनपुर चौक। यहाँ से एक रास्ता जाता है मसूरी को लेफ्ट में, यहाँ से राइट होंगे तो ये राजपुर रोड जाएगा। राजपुर रोड हम जा रहे हैं, राजपुर ये अपना साईं मंदिर के पास फाइनली पहुंच चुके हैं हम। बस 2 किलोमीटर और है, उसके बाद हम सीधा घर पे विजिट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों राजपुर रोड, काफी शांत रहता था, अब तो बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ, बहुत सारे कैफे खुल चुके हैं यहाँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। पहले तो बहुत शांत हुआ करता था, अब देखिए 2 किलोमीटर का रास्ता है साईं मंदिर तक। ये देखिए दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं, देखिए दोस्तों शिवाली एम्ब्रेल्स में फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए नारियल बिक रहा है हमारे घर के बगल में ही, अब हम सीधा ही पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देख सकते हैं दोस्तों घर के अंदर इंटर हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से पेड़ भी कट गया है, अंदर तो जाने नहीं देगा ना।